मेरठ के भरमपुरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में अवैध रूप से बनाए हुए केमिकल गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान से छूटी आग की लपटों को देखकर हर कोई सहम गया। सूचना पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, वहीं फायर ब्रिगेड फाइटर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी ज्ञात नहीं हुआ किसका गोदाम है, ना कोई बोर्ड लगा है इसके ऊपर, और इसमें केमिकल के ड्रम्स रखे हुए हैं और ड्रम्स तेज़ी के साथ फट रहे हैं और 5 फायर टेंडर्स जो हैं मौके पर मौजूद हैं और अग्निशमन की कार्रवाई की जा रही है, फोम डाला जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। क्या लगता है इलीगल तरीके से रखे जाएंगे? अभी इसका कुछ पता नहीं है, ये बाद में जाँच का विषय है कि ये इलीगल हैं या लीगल हैं, ये बाद में। कितनी गाड़ी है आ चुकी है? 5 गाड़ियाँ मौके पर हैं। क्या लगता है कितनी गाड़ियों लग जाएंगी? बहुत जल्दी कंट्रोल कर ली जाएगी, आसपास के जो आबादी है उसको खाली करा लिया गया है और कोई घायल नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। अभी तक पता नहीं लगा किसकी है, कोई मौके पर मौजूद है नहीं।